ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबको स्वागत करते हुए आज बहनों के लिए सबसे लाभकारी पीठ को सीधा करने वाला यह आसन है, जिसका नाम है गोमुख आसन। ये गाय से लिया गया है। इसमें करना क्या होता है कि एक पैर को यानी दाहिने पैर को मोड़ देना है और बाएं पैर को उसके ऊपर रख करके दोनों घुटना को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं। फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से लगा करके और दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करते हैं। और देखिए इस प्रकार के आपस में इंटरलॉक करना है, और जो केहनी ऊपर खड़ा है उधर ही अपने आँखों को लगाकर और उसे देखना है। यहाँ भी हो रहा है बहन जी के द्वारा, और ये पीठ को सीधा करने वाला और मेरुदंड को, मेरुदंड में कभी भी कोई स्पाइन में समस्या नहीं आएगी आपको इस प्रकार के करने से। और बीमारी के तौर पर ये बवासीर के लिए एकदम रामबाण औषधि है। ऐसा यदि अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको बवासीर नहीं होगा, और माताओं बहनों के लिए यूटेरस प्रोलेप्स नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए इस अभ्यास को नियमित रूप से 4 से 5 बार करना चाहिए। अब दूसरे तरह से करो बाबू, अब पैर बदल लो, एक बार दाहिने पैर से तो एक बार बाएं पैर से कर लेंगे। अब बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाइए, हाँ, और दूसरे पैर को उसके ऊपर रख लीजिए। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर कर दिए और दूसरे हाथ को पीछे से लगाकर आपस में देखिए थोड़ा सा मशक्कत करते हुए उंगलियों को पकड़ पकड़ करके और आपस में पूरा इंटरलॉक कर दिए। उसी में कम से कम 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ अभ्यास हो रहा है। यह है गोमुखासन का अभ्यास। इस अभ्यास को 3 से 5 बार नियमित रूप से करना चाहिए। और तो आप सभी को एक बार उस पर देखना है बेटा, इस पर केहुनी को ऊपर देखना है। आप सभी को एक बार ब्रिज मोहन योग केंद्र में स्वागत करते हुए